इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 2023 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का ऐलान हो चुका है। सबसे पहले आपको टीम बताते हैं, रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, ये वो 15 नाम हैं जो आपको 2023 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे इंडियन टीम की तरफ से। और अगर हम टीम पर नजर डालें, एशिया कप में जो 17 खिलाड़ी चुने गए थे, उनमें से प्रसिद्ध कृष्णा और आपके तिलक वर्मा को टीम में जगह नहीं मिली है, और 17 से 15 की टीम बनाई गई है, और बाकी जो सभी नाम है वो एशिया कप के लिए, जो एशिया कप में थे वही आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर हम इस टीम पर आप नजर डालें, तो इस टीम में कुछ ऐसे सिलेक्शन हुए हैं, ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा डाउट या डिबेट हो सकता है। सबसे पहले बात करें केएल राहुल की। अभी एक दिन पहले तक केएल राहुल फिट नहीं थे और वो अवेलेबल नहीं थे एशिया कप के लिए, लेकिन केएल राहुल ने सिलेक्शन से कुछ देर पहले ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला और ये बताया कि वो फिट हो चुके हैं। अब वो कितने फिट हैं, कितने अवेलेबल हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, केएल राहुल के ऊपर ये जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिसीजन लिए गए हैं। एक डिबेट और चल रही थी कि सूर्य कुमार यादव टीम में आएंगे या फिर संजू सैमसन आएंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की जो फॉर्म रही है T20 क्रिकेट में, उसको देखकर उनके उपको बैक किया गया है इस 2023 वर्ल्ड कप में ODI फॉर्मेट में भी। और सबकी उम्मीदें ये रहेंगी कि अब सूर्य कुमार यादव ODI वर्ल्ड कप में अगर उनको मौका मिलता है तो वहां पर भी अच्छा करें। साथ ही अगर हम बात करें, युजवेंद्र चहल को मौका नहीं मिला गया है, एक वर्ल्ड कप में खिलाया नहीं, एक वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं किया, एक में खिलाया नहीं, और यहाँ पर एक बार फिर उनको सेलेक्ट नहीं किया गया है। साथ ही संजू सैमसन का भी दिल जरूर टूटा होगा कि संजू सैमसन ने जो पिछला ODI मुकाबला खेला था उसमें उन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन संजू सैमसन आज इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है। और ये पूरी टीम सामने आ चुकी है। एक बार टीम में आपको दोबारा बता दूं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। हालांकि अगर बेस्ट अवेलेबल टीम की आप बात करें तो ये बेस्ट अवेलेबल टीम मुझे नजर आ रही है, और शायद सेलेक्टर्स को भी वही नजर आई। और ये टीम हम आपको लगातार बता रहे थे, टीम पहले भी बता चुके थे, और कोई ऐसा शॉकिंग नाम हमें नजर नहीं आया है 2023 वर्ल्ड कप की टीम में। और ये आपके वो खिलाड़ी हैं जो आपको नजर आएंगे वर्ल्ड कप खेलते, और फिंगर्स क्रॉस हैं कि यार कम से कम इस बार इंडियन टीम एक ICC की ट्रॉफी जरूर उठाएगी, चैंपियन बनाएगी, और देश एक बार फिर उसी तरह से झूमेगा जैसे हमने 2011 वर्ल्ड कप का जश्न मनाया था। तो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया।